अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी, जिसके बारे में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इस वाइटनिंग क्रीम का रिव्यू शेयर कर रहे हैं और इसका क्या इफ़ेक्ट है, क्या इसे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके होंगे कि मैं कौन सी क्रीम का रिव्यू शेयर कर रही हूँ, तो ये वाली क्रीम है, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये क्रीम है, ये कौन सी क्रीम है? एवलाइन कॉस्मेटिक्स की वाइट प्रेस्टीज की 4D वाइटनिंग एंड रीजनरेटिंग नाइट क्रीम। तो इसकी एक आती है डे क्रीम और साथ में इसकी होती है ये नाइट क्रीम। तो अगर आप लोग बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो इसके साथ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाइट क्रीम में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं और स्किन को ग्लो फ्राहम करते हैं। ज़्यादातर जो क्रीम असर करती हैं वो नाइट क्रीम की होती हैं। अगर आप लोग अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप लोग डे क्रीम को स्किप करके नाइट क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। तो इस क्रीम को मैंने इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ खासियत बता दूँ कि ये किस तरह से हमारी स्किन को लाइटन करती है, इसमें क्या क्या खासियत है। तो जो इस क्रीम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं और मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारी स्किन को लाइटन करता है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स शामिल किए गए हैं हमारी स्किन को लाइटन करने के लिए, तो वो हैं नाइसिनामाइड और हाइलोरोनिक एसिड, और ये है नॉन ग्रेसी एंड लाइट फॉर्मूला। हाइलोरोनिक एसिड जो है वो हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज करता है, हमारे ओपन पोर्स होते हैं ना उसको भी बहुत मिनिमाइज कर देता है, हमारी स्किन फर्म हो जाती है, हमारी स्किन टाइटन भी हो जाती है। तो ये जो है ये बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है स्किन में। अगर आपकी स्किन एज कर रही है, अगर आपकी स्किन अगर लूज हो रही है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है हाइलुरोनिक। आपकी स्किन में जो मॉइस्चर होता है उसको ये रिटेन करता है, आपकी स्किन में रहने देता है, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूद और बिल्कुल क्या हो जाती है, सिल्की स्मूद हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, मॉइस्चराइज बहुत अच्छे तरीके से करता है हाइलुरोनिक एसिड। और उसके बाद नाइसिनामाइड है जो है वो हमारी स्किन को इलास्टिसिटी फ्राहम करता है, फर्मनेस फ्राहम करता है, और इसका एक और भी काम है कि ये एक्नी नहीं होने देता। आपकी स्किन पर अगर एक्नी है तो उसको भी ट्रीट तो नहीं कर सकते लेकिन उसको बढ़ने से रोकता है। अब अगला जो है लिपोमाइस्ट, इसमें लिपोमाइस्ट भी एक इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है जो कि परफेक्टली मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को, और जो हमारी स्किन में आपकी स्किन की जो डीपेस्ट लेयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर जो कम हो जाता है उसको भी रोकता है। ठीक है, तो अब जो है ये हो गया है, इसको अब मैं बताती हूँ कि इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे क्या इससे रिजल्ट मिला। तो जी, मैंने इसे 2 हफ्ते अभी इस्तेमाल किया है तो इसलिए मुझे अभी थोड़ा सा रिजल्ट मिला है, लेकिन जैसे ही मैंने 1-2 दिन लगातार लगाया बाद ही मुझे अपनी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्या लगी, बहुत सॉफ्ट लगी, फर्म लगी, और जो जो अन इवन स्किन हो जाती है उसको भी इवन कर देता है, ये भी मुझे अब नज़र आया, और पिगमेंटेशन को तो रिमूव नहीं करता लेकिन आपकी स्किन को लाइट ज़रूर करता है, इससे आपको आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट मिलेगा। तो ये वो क्रीम नहीं है कि जो फार्मूला क्रीम्स आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, तो ये मुझे अच्छी लगी है। और इसको लगाने के बाद आपकी स्किन पर थोड़ी सी ऐसे पता चलता है कि आपने कुछ लगाया है, आप जैसे लगाएंगे ना तो आपकी स्किन बहुत बहुत नहीं लेकिन थोड़ी सी ऐसे ठंडक से फील हो। जो चीज़ मैंने आपको बतानी वो यही बतानी कि क्या ये अच्छी है या नहीं, तो मैं कहूँगी जी हाँ ये अच्छी है। इससे पहले मैंने आप लोगों को डर्मोटीन वाइटनिंग क्रीम का भी रिव्यू शेयर किया था, वो भी बहुत अच्छी है, वो जो है वो आपको सस्ती मिल जाएगी, वो आप सिर्फ 1 महीना ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो है ये मुझे लगता है कि 1-2 महीने तो आपके कम से कम यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो टेक्स्चर है ना वो क्रीमी है और इस पर लिखा हुआ है नॉन ग्रीसी, लेकिन मुझे हल्का सा ग्रीसी लगता है क्योंकि मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो इसलिए जो ड्राई स्किन वाले हैं उनके लिए ये बेस्ट होगी। अब सबसे आखिर में मैं बताऊंगी कि अगर आपने लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट क्रीम है, और अंदर से भी दिखाऊंगी। अब अंदर से मैं आपको इसकी पैकिंग दिखा देती हूँ, इस तरह क्रीम मिलेगी। ठीक है, और इसके अंदर आप खोलेंगे तो इस तरह से, ये देखें मैंने थोड़ी सी यूज़ की हुई है, ये देखें ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी यूज़ की है आप। और इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत का मुझे याद ही नहीं है, तो इसकी जो प्राइस है वो 1,000 से ऊपर है, अब मुझे याद नहीं है कि 1,200 या 1,300 या 1,500 तक की रेंज में हो सकता है कि मिल जाए। ये मैंने ली थी यहाँ पर सियालकोट में, अलफता
जो मार्केट है वहाँ, मार्केट कह सकते हैं या मॉल कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं, वहाँ से ये मैंने परचेज़ की थी। तो आप भी किसी अच्छे से मॉल से इसे परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आप लोग को नहीं मिलती तो आप लोग ऑनलाइन भी इसे ख़रीद सकते हैं। अच्छा, तो इसका टेक्सचर कैसा है वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखें। और अभी मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखा देती हूँ, ये देखें। लगती क्रीमी सी है, लेकिन जब हम आप इसको लगाएंगे, ये बिल्कुल जैसे कोई सीरम वगैरह लगाते हैं ना, इस तरह से आपको फील होगा। और हल्का सा, और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और जो इसका जो टेक्सचर है ना, क्रीमी है लेकिन लाइट वेट है और ट्रांसपेरेंट है। अगर आप लगाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, और एब्जॉर्ब भी ये जल्दी हो जाता है। लेकिन मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी ऑयली है, तो थोड़ा सा मुझे ऑयली ऑयली ग्रीसी सा लगता है। लिखा हुआ है कि ग्रीनॉन ग्रीसी, लेकिन मुझे हल्का सा ग्रीसी लगता है, ज़्यादा नहीं। और एक्नी वाली जो स्किन है उसके बारे में कहूँगी कि ज़्यादा जिसकी एक्नी होती है तो वो जो है वो ना लगाएं, क्योंकि ये वाइटनिंग क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम का कुछ पता नहीं, और ये मेडिकेटेड भी नहीं है। अगर आप लोग की एक्नी बहुत ज़्यादा होती है तो आप लोग मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करें, और या तो इससे अच्छा है कि आप पहले अपनी एक्नी की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको ख़त्म करें, उसके बाद वाइटनिंग पे आएं। जब तक आपके स्किन पर, चेहरे पर निशानात होंगे, पिंपल्स होंगे, तो आप भले कोई भी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल कर लें, जितना भी वाइट हो जाए, लेकिन आपके स्किन पर अगर पिंपल्स ये सब चीज़ें होंगी ना, तो आपकी स्किन वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले अपनी स्किन पर जो दाग धब्बे होते हैं, जो पिंपल्स होते हैं, उसको रिमूव करने का कुछ करें, उसके बाद फिर वाइटनिंग पर आया करें। वाइटनिंग क्रीम्स भी अच्छी लिया करें ताकि आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिले। अगर आप लोग को, आप जैसे कि ये वाली क्रीम है, अब महंगी तो है, कोई कुछ लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, लेकिन इसको अफोर्ड कर भी सकते हैं, क्योंकि ये इसमें ये जार जो है ये अच्छा खासा बड़ा है, और इसमें क्रीम भी अच्छी खासी मिकदार में है। तो ये आपकी कम से कम, और इतना जो मैंने लगाया ना, ये मैं पूरे फेस पे लगाती हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह से यूज़ करेंगे ना, तो आपकी क्रीम कम से कम 2 महीने तो कम से कम चलेगी, 2 नहीं तो चलो 1.5 महीना तो ज़रूर चलेगी। तो 2 महीने में आपके 1500 ज़ाया नहीं होंगे, और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई है, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, और अगर आप लोगों को कोई सवाल वगैरह पूछना है तो आप कमेंट्स में बिना झिझक पूछ सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और इसके साथ ही अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिए, और अपने प्यारों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ ही फिर मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।